अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सल्तनत-ए-उस्मानिया मुसलमानों की वो अजीम सल्तनत जो 600 साल तक कायम रही, लेकिन जब खिलाफत का ख़ात्मा किया गया तो उस्मानी ख़ानदान को रातों रात घरेलू लिबास में ही यूरोप भेज दिया गया। शाही ख़ानदान, मलका और शहजादों ने इल्तिजा की कि यूरोप क्यों, हमें उर्दन, मिस्र, शाम या किसी अरब के इलाके में भेज दिया जाए। लेकिन अपने इंतकाम की आग को ठंडा करना और इनको आखिरी दर्जे तक जलील करना मकसूद था, चुनाचे किसी को यूनान में, किसी को यहूदियों के मस्कन और किसी को यूरोप रवाना कर दिया गया। और आखिरी उस्मानी बादशाह सुल्तान वहीदुद्दीन और उनकी अहलिया को रातों रात फ्रांस भेज दिया गया। इनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गईं, यहाँ तक कि घरेलू लिबास में खाली जेब और इस हाल में इन्हें रुख्सत किया गया कि एक पाई तक इनके पास ना थी। कहा जाता है कि सुल्तान वहीदुद्दीन के शहजादे मुँह छुपा कर पैरिस की गलियों में कासा गदाई के लिए फिरते थे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। फिर जब सुल्तान की वफ़ात हुई तो कलीसा इनकी मैयत को किसी के हवाले करने पर आमादा ना हुआ, क्योंकि दुकानदारों का कर्ज इन पर चढ़ा हुआ था। बिलाखर मुसलमानों ने चंदा इकट्ठा करके सुल्तान का कर्ज अदा किया और इनकी मैयत को शाम रवाना किया और वहाँ वो सुपुर्द खाक हुए। 20 साल के बाद जिन्होंने सबसे पहले उस्मानी ख़ानदान को दरियाफ्त किया और उनकी खबरगिरी की, वो तुर्की के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म अदनान मंदरीस थे। शाही ख़ानदान की तलाश के लिए वो फ्रांस गए और वहाँ जाकर उनके अहवाल कवायफ़ उन्होंने मालूम किए। पेरिस के सफ़र में वो कहते थे कि मुझे मेरे आबाओं का पता बताओ, मुझे मेरी माओ से मिलाओ। बिलाखिर वो पेरिस के एक छोटे से गांव पहुंचकर एक कारखाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद की जौजा मलका शफीका, जिसकी उम्र 85 साल थी, और उनकी बेटी शहजादी आयशा, जिसकी उम्र 60 साल थी, एक कारखाने में नहायत मामूली उजरत पर बर्तन मांज रही हैं। ये देखकर मंदरीस अपने आंसू ना रोक सके और जारो कतार रो पड़े। फिर उनके हाथ चूमकर कहने लगे, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। शहजादी आयशा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं तुर्क वज़ीर आज़म अदनान मंदरीस हूँ। इतना सुनना था कि वह बोल उठी, अब तक कहाँ थे, बहुत देर की मेहरबान आते आते। और ख़ुशी के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अदनान मंदरीस जब वापस तुर्की आए तो उन्होंने जलाल बयार से कहा कि मैं उस्मानी ख़ानदान के लिए माफ़ीनामा जारी करना चाहता हूँ और अपनी माओ को वापस लाना चाहता हूँ। बयार ने शुरू में तो एतराज़ किया, मगर मंदरीस के मुसलसल इसरार पर सिर्फ औरतों को वापस लाने की तायद की गई। फिर अदनान मंदरीस खुद फ्रांस गए और मलका शफीका और शहजादी आयशा दोनों को फ्रांस से तुर्की लेकर आए। फिर जब मंदरीस पर झूठा मुकदमा चलाकर उनको तख्तादार पर लटका दिया गया और उन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने हुकूमत के ख़जाने से चोरी करके सुल्तान की अहलिया और बेटी पर खर्च किया है, इसलिए कि वो हर ईद के मौका पर मलका और शहजादी से मुलाकात के लिए जाते, उनके हाथ चूमते और अपनी जेब और अपनी ज़ाती सरफे से 10,000 लीरा सालाना शहजादी आयशा और मलका शफीका की खिदमत में पेश करते थे। जब अदनान मदरीस शहीद हुए तो दूसरे ही दिन दोनों, मलका और शहजादी, भी बहालत सजूद वफात पा गईं। जी हाँ दोस्तों, ये वो सलूक किया गया उस ख़ानदान के साथ जिसने 600 साल तक दुनिया पे हुकूमत कायम की और इस्लाम का झंडा सरबुलंद किया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।